को भूमिता दे। आमीन। यीशु का यही अनोखा प्रेम का यात्रा तय किया है आज हमारी धर्म प्रांत के इसी कलवारी पहाड़ में। चलिए आज जो निवेदनों को, जो अर्जी को, जो दुख और कष्ट को हमने अपने हृदय में, अपने मन में और अपने परिवार में सहते आए हैं इन दिनों, वही सब को प्रभु यीशु किसी पवित्र क्रूस के छांव में समर्पण कर दें, ताकि प्रभु जिस तरह हमारी मानव पाप के कारण उन्होंने हमारी मृत्यु से युद्ध किया और हमारी अंतिम दुश्मन शत्रु मृत्यु से, पाप के बंधन से विजयी पाया है और हमारे लिए जीवन का स्रोत बन गए, यही प्रभु यीशु के क्रूस, जो प्रभु यीशु का उस कलवारी पहाड़ का क्रूस का प्रतीक है, हमारे लिए एक नई आशा, नई जीवन का संचार बने। परमेश्वर का प्रेम को हम अनुभव करते हुए इस क्रूस से जुदा ना लें, परंतु क्रूस का आशीर्वाद लेकर के हम अपने घर की ओर वापस जाएं। और इसलिए अभी हम इसी क्रूस को स्पर्श करते हुए अपने अपने मनोकामनाओं को पूरा पुनः समर्पण करें। इसलिए हमारे धर्म प्रांत के माता पिता, भाई बहनों और विशेषकर युवक युवतियों का जीवन, उनका जीवन में जो दुख है, कष्ट है, चौराहे में ये खड़े होकर जिस तरह अपने जीवन की सफलता की कामना करते हैं, किसी को नौकरी की चाहत तो किसी को अपने जीवन में सफलता की चाहत, किसी को अपनी शादी की चाहत, इन सारे चाहतों पर प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे। यही पवित्र क्रूस जो हमारा जीवन का स्रोत है, परमेश्वर का प्रेम का निशाना है, यही पवित्र क्रूस के द्वारा हम सबको प्रभु विजयी प्रदान करे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। ओ क्रूस महान, जग पर